हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो अज दे वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे कि अगर तुसी ई सेवा केंद्र कोई भी सर्टिफिकेट वास्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, मीन टू से कि ऑनलाइन बुकिंग करनी है कि तुहाडे उत्थे जिहड़ा भी स्लॉट अवेलेबल है उहदे विच जाके तुसी अपना नंबर लगवा सको अते उहदे विच लाइन विच खड़े ना होवो, उहदे लई की पूरा प्रोसैस है, किवें तुसी ऑनलाइन रजिस्टर करना है, पूरा प्रोसैस तुहानू अज इस वीडियो दे विच मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उहदे लई तुसी ई सेवा पंजाब इन्हां दा ऑफिशियल पेज है या ऑफिशियल साइट है, तुसीं इहदे विच चल जाणा लिंक दे उपर। इहदे विच जाके जदों तुसीं नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तुहानूं इत्थे तीन लिंक मिलोगे, प्रव्यू सर्टिफिकेट ट्रैक स्टेटस अते तीसरा है सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट बुकिंग। तुसीं इह लिंक ते क्लिक कर देणा। जदों तुसीं इत्थे क्लिक करोगे इत्थे सब तों पहले जिहड़ियां डिफरेंट डिटेल्स मंगदा है पोर्टल, उह तुहानूं डिटेल्स देणियां पैणियां। सब तो पहले तुहानूं इत्थे कैंडीडेट का नाम फिल करना पैना है। आ देखो दस्सिया होया नोट फॉर आधार यू आई डी आई सर्विस क्लिक हेयर, ठीक है। अगर आधार कार्ड की सर्विस वास्ते तुसी करना है तो इत्थे तुसी लिंक करना है, मतलब क्लिक कर देना है। उहदे वास्ते ये वक्खरा एक लिंक है, ठीक है। एक मैं तुहानूं शो भी कर देना इत्थे, आ देखो जो ओके करते हैं। डिटेल्स उही है, बस तुसी अपॉइंटमेंट लैनी ऑनलाइन, ठीक है। स्लॉट इन्हां दे जिहड़े जिहड़े अवेलेबल आ तुसी देख लैना। चलो पहले आपां नॉर्मल अपॉइंटमेंट तुहानूं मैं बुक करके दसदा, ठीक है। जो तुसी सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट ते क्लिक किया बुकिंग वास्ते तां पेज आऊगा। सब तो पहले जिहड़ा एप्लीकेंट है तुसी उहदा नाम लिखना इत्थे, उस तो बाद उहनां दा मोबाइल नंबर लिखना। तुसी मोबाइल नंबर ध्यान नाल फिल करिए, ते तुहानूं ओटीपी आउंदा है जिहड़ी तुहाडी डिस्ट्रिक्ट आ तुसी फिल करनी है, अते किहड़ी तरीक दी तुसी बुकिंग करवाउणा चाहुंदे हो। सैटरडे संडे ऑफ हुंदा है, ठीक है। मैनूं मंडे दी चाहीदी है, ठीक है अपॉइंटमेंट। सो मंडे दी आपां अपॉइंटमेंट लैनी है 10 तरीक दी। उस तो बाद सेवा केंद्र तुहानूं किहड़ा पैंदा है, ठीक है। आ मेरी डिस्ट्रिक्ट दे अकॉर्डिंग जिहड़े सेवा केंद्र हैगे आ अपने एरिए ते सारे आ गए, हुशियारपुर दे, हरियाणा दे, गढ़शंकर, ठीक है। जिहड़ा भी तुहानूं नीयर पैंदा है वह तुसी सिलैक्ट कर लैणा, ठीक है। मैं सिलैक्ट कर लिया। उस तो बाद आ देखो इहदा एड्रैस दस्सिया पिया सेवा केंद्र नियर कम्युनिटी सेंटर हाजीपुर। वैसे सेवा केंद्र के हाल बहुत माड़े ने, ठीक है। सर्वर्स नहीं इन्हां दे काम करते, बट फिलहाल फिर भी मैं तुहानूं दसदा पिया की करना तां किवें करना है। इत्थे तुहानूं डिफरेंट स्लॉट्स मिलोगे, आई थिंक ये 6 स्लॉट्स है, एक एक घंटे का, 9 तो 10 है, 10 तो 11, 11 तो 12, 12 तो 1 है, ठीक है। 1 तो 2 है, 2 तो 3 है, 3 तो 4 है, ठीक है। इन्हां विच ही इन्हां दा लंच टाइम हुंदा है, ठीक है जी। आपां फिलहाल चलो ज़्यादा भीड़ फिलहाल 12 तो 1 दे विच घट हुंदी है, आपां 12 तो 1 अगर शाम दा करो तां सब तो बेस्ट है, ठीक है। करके तुसीं बुक नाउ ते क्लिक कर देना, बट ये कैप्चा पहले कैप्चा नूं तुसीं क्लिक कर देना। इहदे विच दसदा पिया कि 16 अवेलेबिलिटी है, 16 ही फुल है। एक बार आपां बुक नाउ करके देखते हैं, नहीं तो सानू होर डेट की अपॉइंटमेंट लैनी पैंदी है। देख लैने एक बार की कहिंदा इत्थे, स्टॉक लॉकड है जी, इस करके हम सानू होर स्टॉक यूज़ करना पैना। आप इदा करें, इदा करते 2 तो 3 का लै लें, 2 तो 3 का भी ये फुल है। आप 9 तो 10 देखते हैं, आ भी फुल है, 10 तो 11 का बुक नाउ करके देखते हैं। कैप्चा आना ता इतने भी देखो फुल है, 11 तो 12 के बीच ही अपन देखी लिया फुल है, 16x16 मतलब 16 ये बंदे रजिस्टर हो सकते हैं, 16x16 चैक कर लें एक बार। कई बार हम देखो जिदा यह है 16x16 शो करता पाया, जल्द बुक नाउ दे आपां करते हैं एरर शो करता है, ठीक है। तुम देख लेना, बिकॉज अगर मैं गल करा तरीक की, कि तरीक यूज़ की इतने, इतने आप तरीक की 10 में सारे स्लॉट फुल, आप 12 की करते हैं, 12 में चल गया मैं, ठीक है। इतने साडा सेंटर सेम आ गया, जो भी साडा सेवा केंद्र का सेंटर है, ठीक है। 11 तो 12 आप स्लॉट इतने बुक करके देखते हैं अवेलेबल हैगी कि नहीं हैगी है, बट इतने सू एक बार OTP वेरीफाई करना पैंता, कहते भी वेरीफाई OTP करो, एक बार देख लें सू OTP रिसीव होया या नहीं होया। जो मोबाइल नंबर है उत्ते OTP रिसीव होगा, कई बार थोड़ा टाइम लग जाता OTP रिसीव करने, तुम्हें की करना है दोबारा तुम लॉग इन कर लेना। फिलहाल मैंने इतने कोई भी OTP रिसीव नहीं होया। अगर तुम भी इदा की प्रॉब्लम फेस करते हो तो तुम एक बार फिर तो इनू पूरी जी डिटेल है एक बार तुम इतों रीसैट कर लेनी है, ठीक है। एक बार चलो अपना सेवा केंद्र दूसरा चूज़ कर लें। आ देखो इतने भी सीट्स वगैरह फुल हैं, आप इतों 12 तरीक की सी स्लॉट, आप चलो शाम का लैके देखने ये सू कुछ मिलता भी फुल है। आ देखो 16x16 1 तो 2 देखते हैं, आ भी फिलहाल फुल है जी, क्यों सूँ पता है सेवा केंद्र सर्वर बहुत डाउन होंगे तो लोग पहले ही अपॉइंटमेंट्स बुक करवा लेंगे ने। हुण इच देखते हैं, आप 14 तरीक गए हैं, ठीक है जी, मई की। ये भी आप एक बार चैक कर लें कि स्लॉट कड़ा कड़ा अवेलेबल है। इन्हें साइट थोड़ी स्लो होंगी, इस करके नाल दे नाल शो नहीं करता पाया, ठीक है। तुसी एक बार अपनी जिहड़ी भी तुहानू इत्थे पैंदी है, ठीक है जी, तहसील कह लो या कम्युनिटी सेंटर या
सुविधा सेंटर वो तुसी इत्थे चूज़ कर लेना है। फिर इतों एक बार स्लॉट आप चूज़ करके देखते हैं। सो स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तुसी ये ट्राई करके देख लियो, बिकॉज ज़्यादा मैं तुहानू सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा आप ट्राई करांगे तो टाइम वेस्ट होगा। नैक्सट प्रोसैस तुम जैसे तुम बुक नाउ ते क्लिक कर देना है तो ढा उ इस टाइमिंग अंदर स्लॉट फिक्स हो जाना है। ठीक है, तो तुम्हें की करना, तुम्हें एक उत्थे टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर कह लो या कूपन नंबर कह लो, ठीक है, वो तुम उ जाके शो करना है, तो उस तो बाद नंबर लगेगा। सो ये पूरा प्रोसैस जो भी जाना है, ठीक है जी, थोड़ा टाइम का ही जो, बिकॉज इन्हों के सर्वरस बहुत बेकार है, सर्वरस इन्हों के काम नहीं करते, एक बार सर्वर डाउन हों दो दो तीन तीन घंटे तो वेस्ट ही चल जाते, बिकॉज ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस की हुई है, इन्होंने सर्वरस बहुत ही डाउन रहते हैं। दूसरी आधार कार्ड की इतने सी ये भी तुम देख लो, आधार कार्ड वाले तो क्लिक किया इतने तुम, ठीक है जी, फोन नंबर फिल करता। देखो फोन नंबर ढा जरूरी है, क्यों, बिकॉज फोन नंबर से थानू ओ टी पी जाऊगा, और ओ टी पी नाल ही कल अगर तुम कोई प्रॉब्लम आती है उत्थे तुसी अपना मोबाइल नंबर शो करके उत्थे अपनी डिटेल वगैरह दस सकते हो कि सर ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो आपां की कीता सी, रजिस्टर कीता सी, ठीक है, तो तुहानू ओ टी पी जाऊगा जिहड़ा तुहाडा रजिस्टर्ड नंबर तुसी फिल किया है, वह तुसी ओ टी पी इत्थे फिल करना है। आफ्टर फिलिंग ओ टी पी नैक्सट तुहाडी इहदे विच वी फर्दर प्रोसैस, ओ टी पी कई बार थोड़े इन्हां दे स्लो आउंदे आ, ठीक है, आपां चलो एक बार नंबर चेंज कर लैंदे आ, कई बार तुहानू ओ टी पी ना आए तो तुसी की करना है, नंबर चेंज कर लैना, एक बार इहनू रीफ्रैश कर लैंदे आ, ठीक है जी, रीफ्रैश करके तुसी अगेन इत्थे जिहड़ा आधार कार्ड का लिंक है इत्थे दोबारा क्लिक करके कोई अल्टरनेट नंबर पा के आपां देखते हैं। सो इत्थे ड्यू टू सम टैक्नीकल रीजन सानू इत्थे ओ टी पी रिसीव नहीं हो रहा, तुसी करना जस्ट एन ओ टी पी आऊगा, बाकी जो फर्दर प्रोसैस है मैं तुहानू एक्सप्लेन कर ही दी है, बाकी ये वैबसाइट है जी मैं तुहानू शो की है, ठीक है जी, ई सेवा केंद्र .gov.in है, तुसी डायरैक्टली गूगल पर भी सर्च कर लियो, ठीक है जी, आ देखो सेवा केंद्र, हाँ साडा है सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट, ठीक है जी, पहला लिंक तुम्हें वैबसाइट का मिलेगा, आ वाला सैकेंड पर क्लिक कर लियो या पहला कर लियो, आ देखो जी डायरैक्टली वैबसाइट पर आके तुम इतने क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है फॉर आधार कार्ड अपडेशन या, ठीक है जी, होर भी जोड़े ताे सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे है उन्होंने वास्ते भी तुम इतने ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। पूरा मैं प्रोसैस तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिता है, बाकी जे कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो सानू कमेंट सैक्शन में कमेंट करके या साडे टैलीग्राम चैनल में फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लै सकते हो। सो फ्रेंड ये प्रोसैस करके देखो, वीडियो जरूर शेयर करना अपने नीडी फ्रेंड्स नाल, सो दैट उन्होंने भी यह पर्टिकुलर प्रोसैस पता लग सके अते उन्हां दा भी टाइम सेव हो सके जिहड़ा वो सुविधा सेंटर जाके टाइम वेस्ट करते हैं लाइन च खड़े होके। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।